What's up everyone, welcome back to the channel. Last class में हम लोगों ने agriculture के बारे में completely एक discussion करा. अब आज हम लोग बात करेंगे industrial sector के बारे में कि क्या condition थी industry की during those 40 years in between 1950 to 1990. क्या क्या situations रही, कैसे industrial growth हमें देखने को मिला और क्या क्या loopholes थे, वो सारी चीज़ें आज discuss कर ही लेते हैं. चलो फिर let's begin. अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो टॉपिक्स आ जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला टॉपिक भी है, बट वो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में कराऊंगा फॉरेन ट्रेड के साथ, क्योंकि उसका उसके साथ एक लिंक है. बट फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन रखेंगे अपना, वो रखेंगे दो टॉपिक्स के ऊपर. बट इन टॉपिक्स से पहले मुझे आपको थोड़ा सा इंडस्ट्रीज के बारे में बताना है. तो अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो देखो यार, हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में के हम लोग बहुत पीछे थे. मतलब इंडस्ट्रीज का तो बात ही नहीं थी. क्यों नहीं थी? क्योंकि मेनली इंडिया में जो फोकस था वो एग्रीकल्चरल था. मतलब इंडिया के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर में एंगेज थे. बट अगर देखा जाए जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, तो सब जगह जो ग्रोथ है वो इंडस्ट्रीज़ की वजह से है. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज लगती हैं तो वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उनकी इनकम जनरेट होती है. इनकम जनरेट होती है तो डेवलपमेंट होता है उनका, पर्सनल भी एज वेल एज इकोनॉमिक भी. क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है तो जीडीपी पे कितना इम्पैक्ट आएगा. जीडीपी आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, मनी वैल्यू के हिसाब से फाइनल गुड्स और सर्विसेज कितने बन रहे हैं. तो अल्टीमेटली वहाँ पे एक बहुत मेजर इम्पैक्ट आता था. तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. बट इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम पे हमारे पास सिर्फ कॉटन और जूट, ये दो इंडस्ट्रीज थी जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी. इसके अलावा हमारे पास कोई भी एक वेल मैनेज्ड या कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी. उसके अलावा भी अगर हम देखें कि प्राइवेट सेक्टर में भी, तो बस टाटा और बिरला ये दो नाम थे जो इंडस्ट्रियल में कुछ काम कर रहे थे, बाकी तो थे ही नहीं. तो उस सिचुएशन में इंडस्ट्रीज कैसी लगाए जाएँ, कौन लगाएगा, प्राइवेट सेक्टर आगे आएगा या नहीं आएगा. प्राइवेट सेक्टर आना नहीं चाह रहा था क्योंकि उसको वहाँ पे बिल्कुल भी एक मार्केट नहीं मिल रही थी. भाई प्राइवेट सेक्टर तो तभी आगे पैसा लगाएगा ना अगर उसको बनी बनाई मार्केट मिले, कस्टमर मिले. प्राइवेट सेक्टर कोई वेलफेयर के लिए तो काम करेगा नहीं. प्राइवेट सेक्टर का काम क्या है? प्रॉफिट्स कमाना. वो तो प्रॉफिट्स के लिए काम करता है. तो उस सिनारियों में हम लोगों को बहुत डिफिकल्टीज आ रही थी व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो देयर वाज अ नीड, दैट वाज अ नीड ऑफ एन आर कि गवर्नमेंट आगे आए, सरकार आगे आए और आगे आगे कुछ स्टेप्स ले, इनिशिएटिव ले और बोले आगे कि हम इस बेसिक इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे. यहाँ यहाँ हम प्लांट्स लगाएंगे, बैकवर्ड एरियाज भी डेवलप होंगे और ओवरऑल कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा. तो देयर वाज अ हाई नीड फॉर गवर्नमेंट टू टेक इनिशिएटिव एंड कम अप विद सम इंडस्ट्रीज. तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाई, ऐसा क्यों है? देयर वाज अ नीड फॉर लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर का लीडिंग रोल होना क्यों जरूरी है, क्या कारण है? तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपको लिख के आना है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल का काफ़ी शॉर्टेज था. प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था लगाने के लिए. नया नया कंट्री उस टाइम पे हमारा आज़ाद हुआ था, फ्रीडम में आए थे हम लोग, तो उस टाइम पे पैसा बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं था. सब कुछ तो ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट कर दिया था. तो प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो सब कुछ लगा पाए. मैंने बताया आपको दो ही वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, टाटाज और बिरलाज. उसके अलावा इंडस्ट्रीज के नाम पर कुछ भी नहीं था. दूसरा पॉइंट, द लैक ऑफ इंसेंटिव. इंसेंटिव की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट्स या फिर उनको मार्केट्स नहीं मिल रहे थे. हम लोग अगर देखें तो इंडस्ट्रीज कहाँ लगाई जाती हैं, जहाँ पे रेडी मार्केट्स हों, डिमांड हो प्रोडक्ट्स की, लोग भाग के सामान लें. अब अगर प्राइवेट सेक्टर पैसा इन्वेस्ट भी करे तो वो क्यों करे? उसको वहाँ से क्या इंसेंटिव मिल रहा है, क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या बनी बनाई मार्केट मिल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं था. प्राइवेट सेक्टर को किसी भी तरीके का कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नज़र में नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो इनिशिएट ही नहीं ले पा रहा था प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में. तीसरा पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वेलफेयर. अब देखो गवर्नमेंट किस लिए काम करता है, विद सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव. लेकिन प्राइवेट सेक्टर किस लिए काम करेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए. तो हम ये भी नहीं चाहते थे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में इंडस्ट्रीज लग जाएं तो सब कुछ प्रॉफिट के लिए होगा, सब कुछ महंगा होगा, तो इन्फ्लेशन हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा. तो वहाँ पे सोशल वेलफेयर हो गया, इक्विटी हो गया कि सब जगह अल्टीमेटली बराबर एक समान रहे, इक्वालिटी हो लोगों में. इतने सारे अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सोशल वेलफेयर के, इन सबको अगर हमें पूरा करना है
तो वहाँ पे तो भाई गवर्नमेंट को ही मेन रोल प्ले करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर इतना नहीं सोचता, प्राइवेट सेक्टर तो अपने पर्पस के लिए काम करता है, अपने लिए काम करता है। तो देयर वाज एन अर्जेंट नीड कि पब्लिक सेक्टर उठे, गवर्नमेंट आगे आए और कुछ करके दिखाए। तो गवर्नमेंट को भी नज़र आने लगे इतने सारे रीजंस, कैपिटल नहीं है, इंसेंटिव नहीं है, तो फिर फाइनली गवर्नमेंट ने 1956 में एक पॉलिसी ले ही आई। 1956 में गवर्नमेंट ने अपना एक रेजोल्यूशन दिया जिसको बोला गया द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, IPR 1956। ये सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है, इससे पहला 1948 में आया था, बट उसको भी फिर अपग्रेड करना पड़ा। गवर्नमेंट को नज़र आ गया कि यार अगर डेवलपमेंट चाहिए तो हमको ही आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। तो व्हाट वाज IPR? इट वाज अ क्लियर डिक्लेरेशन बाय गवर्नमेंट, काफी लाउड और क्लियर डिक्लेरेशन था, टू प्ले अ लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है हम लोग लीडिंग रोल प्ले करेंगे, तुम लोग हमारा साथ तो दो, हमारे साथ तो चलो, तुम लीडिंग रोल मत प्ले करो लेकिन एटलीस्ट एक अच्छा पार्टनर बन के ही सही हमारा काम तो करो, सपोर्ट तो करो। तो अल्टीमेटली IPR 1956 में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तीन स्केड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी। इसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ सेलेक्टेड 17 इंडस्ट्रीज रखी, जो 17 इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर के अंडर आएगी, एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट के अंडर आएंगी, वो खुद चलाएंगे वेलफेयर के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी। उसके बाद स्केड्यूल बी में गवर्नमेंट ने रखी 12 इंडस्ट्रीज जो कि दोनों मिलकर चलाएंगे, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी, लेकिन लीडिंग रोल किसका होगा? पब्लिक सेक्टर का। प्राइवेट का जो रोल है वो सेकेंडरी है, लीडिंग रोल कौन प्ले करेगा यहाँ पे भी? पब्लिक सेक्टर। उसके बाद जो बची हुई इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज बच जाएंगी इन 17 और 12 को छोड़ के, वो सारी हम इन लोगों ने स्केड्यूल 3 में रख दी, अदर इंडस्ट्रीज, और जिसमें प्राइवेट सेक्टर को आई यहाँ पे आप काम कर सकते हो बट आफ्टर टेकिंग लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग मैंडेटरी कर दी थी कि लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, चाहे आप न्यू इंडस्ट्री सेटअप करो चाहे आप पुराने वाले का एक्सपेंशन करो, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये तीन स्केड्यूल्स बनाए गए थे, सबसे पहला अंडर विच द इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय स्टेट आर देयर। स्केड्यूल बी में यहाँ पे 17 इंडस्ट्रीज थी, यहाँ पे 12 इंडस्ट्रीज विच वुड बी प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय स्टेट। प्रोग्रेसिवली का मतलब मेजर जो कंट्रोल होगा वो स्टेट का होगा, गवर्नमेंट का होगा, और इधर द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच इज टू बी अ पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब इन 17 इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आई थी, कुछ एग्जाम्पल्स अगर लिखने हो तो आर्म्स एंड एमिनेशन लिख सकते हो, मतलब वही गन्स वगैरह जो हमारी आर्मी को चाहिए या इस तरीके की चीज़ें। एटॉमिक एनर्जी आ गया, एयरक्राफ्ट आ गए, ऑयल, रेलवेज, इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स थे। ये कुछ 17 इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिवली अपने कंट्रोल में रखी थी। उसके बाद यहाँ पे 12 के कुछ एग्जाम्पल अगर लिखने हो तो एलुमिनियम लिख सकते हो, इसके अंदर माइनिंग, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स, ये स्केड्यूल बी में हमें देखने को मिल रहे थे जो दोनों मिलकर चला रहे थे। और जो बची हुई जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सब इंडस्ट्रीज चली आती हैं स्केड्यूल 3 के अंदर, स्केड्यूल सी के अंदर। तो इस तरीके से IPR में गवर्नमेंट ने तीन पार्ट्स में सभी इंडस्ट्रीज को डिवाइड करा और अपने काम को प्रॉपरली करना शुरू करा, जिससे हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले और हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी देखने को मिला। आज हम लोग देखते हैं फिर भी हम लोगों को काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सिनेरियो में IPR का एक मेजर इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आने के हाई चांसेस हैं, तो बहुत अच्छे से समझ के चलना। ये याद रखना कि यहाँ पे 17 इंडस्ट्रीज, यहाँ पे 12 इंडस्ट्रीज और स्केड्यूल 3 में बची हुई सारी की सारी जो एक्सक्लूसिवली प्राइवेट की होगी, ये एक्सक्लूसिवली फॉर पब्लिक, ये दोनों मिलकर चलाएंगे लेकिन लीडिंग रोल किसका होगा? पब्लिक का, और यहाँ पे हमारा एक्सक्लूसिवली प्राइवेट। ठीक हो गया, IPR है क्या ये भी मैंने आपको बता दिया, क्या जरूरत थी ये भी हमने इस टॉपिक में पूरा कवर कर लिया। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बचता है, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का भी एक अलग से हेडिंग डला हुआ होता है कई बार। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बेसिकली क्या होता है, जब गवर्नमेंट ने ये बोला कि आपके लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी है जब भी आप इंडस्ट्री लगाने की सोचोगे, चाहे एक्सपेंशन हो या नई इंडस्ट्री लगा रहे हो, तो लाइसेंस तो कंपलसरी है, चलो वो भी एक टॉपिक हो जाता है। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा फॉरेन ट्रेड के साथ। तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ लिया 1950 से 1990, आज हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में यानी कि कल हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फॉरेन ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड करने के बाद यहाँ पे हमारा बिल्कुल टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और उसके साथ साथ एक मेजर पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर इस यूनिट में हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचेगा, दैट इज़ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फिर उसकी तरफ चलेंगे, और एक यूनिट हमारा इंडियन इको का कंप्लीट।
दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.